भिवंडी शहर के भिवंडी महानगर पालिका के गेट के बाजू में जाली पर एक युवक की डेड बॉडी लटकी हुई थी, जिसे भिवंडी शहर के निजामपुरा पुलिस स्टेशन से हमने जानकारी ली। तो भिवंडी शहर के निजामपुरा पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक रमेश यादव जी ने हमें जानकारी दी कि आत्महत्या है। परंतु सवाल ये उठते हैं कि भिवंडी शहर के महानगर पालिका के गेट पर ही आखिर लाश क्यों लटकी हुई थी। अब आइए देखते हैं रमेश यादव जी का क्या कहना है। ये जो महानगर पालिका के गेट पर जो बॉडी आज लटकी थी, तो वो सुसाइड का क्या मामला है? ये गुलाम नबी शेख करके एक आदमी है, ये रिक्शा चलाते थे। 2 साल पहले से कुछ उनका उनके पत्नी का आपस में झगड़ा होने के कारण वो उनके पत्नी उन 2 साल से उनको छोड़ के पत्नी और बच्चे उनके पास रहते नहीं है। और वैसे ये उसके उनके भाई के पास जाके खाना खाते थे, कहीं पे भी सोते थे, कभी उनके भाई के पास सोते थे, कहीं पे भी सोते थे। और 2 साल से वो बीबी जाने की वजह से परेशान थे और वही उसी के कारण से वो शराब पिया करते थे। उनके भाई के बताने से हमें पता चला कि कुछ दिन से उनको पेट में बहुत दर्द होता था, पेट की बीमारी थी कुछ, उससे भी वो परेशान थे। उसकी वजह से उन्होंने कल ये अपने आप को लटका के आत्महत्या की है। तो वो अपने आप को खुद लटका के आत्महत्या की या फिर उसी के पीछे किसी की साजिश या हाथ? नहीं, वो उनका पोस्टमार्टम भी किया गया है, पोस्टमार्टम में पता चला है कि वो हैंगिंग है, वो खुद नहीं किया है। सर, ये महानगर जो पालिका है, अक्सर यहाँ सूत्रों के वाले से जानकारी ये लगी कि अक्सर यहाँ 3 ऐसी घटना हो चुकी है, तो अक्सर करके ज़्यादा वारदात यहीं पे क्यों आ रहे हैं महानगर पालिका ही में? वो ऐसे मैं कुछ बोल नहीं सकता इसके मामले में, ऐसा तो कुछ कोइंसिडेंस हो सकता है, ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत